हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार, मैथ बाय रजिस्टर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम एमएससी फाइनल, जिसके अंदर हमारे पास एक ऑप्शनल पेपर है रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी, आज इसके अंदर हम यूनिट थर्ड स्टार्ट करेंगे। तो हर बार की तरह यूनिट थर्ड स्टार्ट करें, उससे पहले हम इस यूनिट के बारे में थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं कि हमारे पास सिलेबस है ये कौन से स्टूडेंट्स के लिए है और हमारे पास सिलेबस क्या है। तो देखो, सबसे पहले एमएससी फाइनल क्लासेस है, ऑप्शनल पेपर चल रहा है और पेपर का नाम हमारे पास एग्जाम में क्या लिख के आएगा, रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी। ठीक है, रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी। और इसके अंदर हमारे पास बुक कौन सी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये हमारे पास जेपीएच की बुक है, तो आप अदर राइटर की बुक ले सकते हैं, बस हमें तो अपना टॉपिक मैच करना है, बाकी हम कॉन्सेप्ट टॉपिक के हिसाब से क्लियर करेंगे। तो मैं जो बुक्स मान के चलूंगा वो मैं जेपीएस की बुक को आधार मान के ही अपना सिलेबस करवाऊंगा। तो बुक का नाम हमारे पास क्या हो गया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब ये जो हम सिलेबस पढ़ेंगे ये कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज के लिए है, तो आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर 1, 2, 3, 4 और 5 नाम देख रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास राजस्थान यूनिवर्सिटी है, हमारे पास शेखावटी यूनिवर्सिटी है, ये राजऋषि भर्तरी मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर है, और ये एमएसबी महाराजा सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी, और एक ये पांचवी वीओएमयू कोटा ओपन वाली। तो अगर आपका कॉलेज इन यूनिवर्सिटीज के अंदर में आता है तो ये कोर्स आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। ठीक है, अब ये हमारे पास सिलेबस किस प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए, वो रेगुलर स्टूडेंट हो या वो प्राइवेट स्टूडेंट हो या फिर वो अपने आप को नॉन कॉलेजिएट कैंडिडेट कहता हो, दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास सेम सिलेबस है, सेम पेपर पैटर्न है, सेम डे एग्जाम होगा और सेम नंबर सिस्टम है कि जितने मार्क्स के आएंगे रेगुलर वालों के उतने ही क्वेश्चन से प्राइवेट स्टूडेंट्स के लेंगे, यानी रेगुलर में और प्राइवेट में एग्जाम के मामले में कोई डिफरेंस ही नहीं है। अब हमारे पास जो हम यूनिट थर्ड पढ़ रहे हैं उसका सिलेबस देखो, सबसे पहले इसका ऑफिशियल सिलेबस आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस एंड जनरल कोवेरियंस, जियोडिक पोस्टुलेट, जियोडेसिक पोस्टुलेट, मैक्स प्रिंसिपल, न्यूटोनियन अप्रोक्सीमेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, आइंस्टीन फील्ड इक्वेशंस फॉर मैटर एंड एम्प्टी स्पेस, रिडक्शंस ऑफ आइंस्टीन फील्ड इक्वेशंस टू पॉइजन्स इक्वेशन, स्क्वायर चाइल्ड एक्सटीरियर मेट्रिक, इट्स आइसोट्रोपिक फ्रॉम एन सिंगुलरिटी, रिलेटिविस्टिक्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर ऑर्बिट ऑफ द प्लेनेट। मतलब ये हमारे पास सिलेबस है, इसके अंदर हम पूरा उसका सिलेबस पढ़ेंगे दोनों क्वेश्चंस का। तो हमारे पास जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा, देखिए यूनिट थर्ड का जो हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा वो हमारे पास होगा क्वेश्चंस नंबर 5 A and B और क्वेश्चंस नंबर 6 A and B। ठीक है, क्वेश्चंस नंबर 5 A and B और क्वेश्चंस नंबर 6 A and B, आपको ये क्वेश्चंस भी मिलेगा और आपको ये क्वेश्चंस भी मिलेगा। हम ये पूरा मैटर्स पढ़ेंगे इसके अंदर, क्यों, क्योंकि हर साल के अंदर लगभग इस यूनिट के अंदर मिक्सिंग होती है, इसलिए मिक्सिंग होती है तो हम इस यूनिट को छोड़ नहीं सकते कि चलो भाई इतना पढ़ा दिया और आपको एक क्वेश्चंस मिल जाएगा। हालांकि आपको एग्जाम में कोई एक करना है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इतनी रिस्क ले सकते हैं कि इस वाले भाग के कुछ टॉपिक अपन छोड़ दें, क्योंकि मिक्सिंग होती है तो ये उठ के इधर आ जाएगा और कभी कभार ये उठ के भी इधर आ जाता है, इसलिए हम इसका 95% कंप्लीट करेंगे। तो मान के चलो हमारे पास ये क्वेश्चंस यहाँ तक अपने को 1, 2, 3 क्वेश्चन से डेढ़ क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूरा मिल जाएगा, और मिक्सिंग नहीं होगी तो आपको दोनों पूरे मिलेंगे, आपकी मर्जी जो आपको अच्छा लगे वो क्वेश्चन आप ही करना। मतलब कुल मिला के ऐसा कि हम इस यूनिट के अंदर रिस्क नहीं ले सकते, हम इसका 100% सिलेबस कवर करने वाले हैं। ओके, तो ये तो था हमारे पास यूनिट थर्ड के अंदर जो क्वेश्चंस नंबर का सिस्टम। अब ये सिलेबस था जो मैंने आपको अभी स्क्रीन के ऊपर दिखाया था, ये तो था हमारे पास ऑफिशियली सिलेबस। अब यही सिलेबस हमारे पास जेपीएच की बुक में कहाँ है, ठीक है भाई, अब यही सिलेबस हमारे पास है, मेरे पास ये जेपीएच की बुक है। अब जेपीएच की बुक में हमारे पास यूनिट थर्ड का सिलेबस क्या है, जेपीएच की बुक में हमारे पास यूनिट थर्ड का सिलेबस क्या है, तो यूनिट थर्ड में हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है, चेक कर लेता हूँ मैं एक बार, हमारे पास जेपीएस की बुक में ये चैप्टर नंबर 3 है। यस, ये हमारे पास चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 का नाम है हमारे पास जनरल रिलेटिविटी। मेरे पास जो बुक है ये जेपीएस की, इसके अंदर चैप्टर 3 का नाम है जनरल रिलेटिविटी। ठीक है, इसके अंदर हमें टॉपिक 3.1 से
और टॉपिक 3.14 तक पढ़ना है। या मैं पेज की बात करूं, मेरे पास ये जो बुक है इसमें पेज 138 से लेके पेज नंबर 138 से लेके हमारे पास पेज 3.14 तक है, तो ये पेज 160 तक है, ये पेज 160 तक है। यानी कुल मिला के हमारे पास छोटे मोटे इसमें 1 से लेके 14 तक के टॉपिक्स होने वाले हैं, तो हम छोटे छोटे इन टॉपिक्सों को कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलेंगे। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास पैटर्न कि हमारे पास क्या पढ़ना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारे पास जो यूनिट थर्ड चलेगी वो इस जेपीएस की बुक में हमारे पास सिलेबस में चैप्टर नंबर 3 है, और चैप्टर 3 हमारे पास जनरल रिलेटिविटी है। ठीक है, ध्यान रखना इस चैप्टर 3 से ही हमारे पास यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ होगी। इस टॉपिक 3.16 से आगे हमारे पास यूनिट फोर्थ में है, वो हम पढ़ाएंगे तब दोबारा बता देंगे। तो एक बार केवल यूनिट थर्ड तक का सिलेबस है हमारे पास टॉपिक 3.1 से 3.14 या पेज 138 से लेके पेज 160 तक। ओके, तो ये तो हो गया हमारे पास सिलेबस कि हम कहाँ से पढ़ने वाले हैं। तो अब निश्चिंत रहिए, बुक्स में आपको मिल जाएगा कि मैं आपको कहाँ से बताना चाह रहा हूँ। ठीक है भाई, तो ये आपसे बुक से मिल जाएगा। अब देखो, हम इससे पहले यूनिट थर्ड स्टार्ट करें, मैं यूनिट फर्स्ट के अंदर बता चुका हूँ। देखो, अब तक हम दो यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं, एक तो हमारे पास यूनिट फर्स्ट और एक आपके पास यूनिट सेकंड, जो आपको ऐप के अंदर इसके अंदर 11 लेक्चर्स हैं और इसके अंदर हमारे पास 9 लेक्चर हैं। यानी अभी तक हम इसके टोटल 20 वीडियोज अपलोड कर चुके हैं, और इन दोनों में हमारे पास यूनिट फर्स्ट और सेकेंड कम्प्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो वैसे तो मैं यूनिट फर्स्ट के पहले ही पहले लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, फिर भी हम 5-7 मिनट लगेंगे, एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपका भी कॉन्सेप्ट एक बार फिर से रिपीट हो जाए। तो देखो, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ये जनरली 2 टाइप्स की होती है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, एक तो होती है स्पेशल, एक तो होती है हमारे पास स्पेशल रिलेटिविटी, एक तो होती है हमारे पास स्पेशल रिलेटिविटी, और दूसरी होती है हमारे पास जनरल रिलेटिविटी। दूसरी होती है हमारे पास जनरल रिलेटिविटी। ठीक है भाई, हम वैसे यूनिट फर्स्ट में बता चुके हैं, एक बार आपको फिर से बता देते हैं कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जनरली 2 टाइप्स की होती है, स्पेशल रिलेटिविटी और जनरल रिलेटिविटी। स्पेशल रिलेटिविटी है वो होती है हमारे पास इनिशियल फ्रेम के अंदर। ये हमारे पास किसके अंदर आती है भाई? इनर्शियल फ्रेम के अंदर। और जनरल रिलेटिविटी आती है, वो आती है हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। हमारे पास जनरल रिलेटिविटी आती है वो किसके अंदर आती है? नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर। अब मैं इनकी डेफिनेशंस बता चुका हूँ कि इनिशियल फ्रेम हमारे पास क्या होती है और नॉन इनिशियल फ्रेम हमारे पास क्या होती है, फिर भी मैं एक बार यहाँ फिर से इनकी डेफिनेशंस लिखना चाहूँगा, क्योंकि जितना रिवीजन हो उतना ही अच्छा है। तो बताइए, हमारे पास इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? तो आपने यूनिट फर्स्ट पढ़ा है, सेकंड पढ़ा है, उसके बाद थर्ड पे आए हो, तो आपके 100% याद है कि हमारे पास इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। द फ्रेम और सिस्टम, द फ्रेम और सिस्टम, सिस्टम इन विच पार्टिकल मूव, इन विच पार्टिकल, इन विच पार्टिकल मूव विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, मैं समझा चुका हूँ इसकी डेफिनेशन से कि द फ्रेम और सिस्टम्स इन विच पार्टिकल मूव विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। अगर वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से जाए, मैं एग्जाम्पल देके बताऊंगा, तब तो हमारे पास इनर्शियल फ्रेम बन जाती है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या बन जाएगी? उसके अंदर ये कॉन्स्टेंट ना रहे, बदलती रहे, नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम की डेफिनेशन हमारे पास क्या आ जाएगी कि द फ्रेम और सिस्टम, इसकी डेफिनेशन आ जाएगी हमारे पास द फ्रेम और सिस्टम, द फ्रेम और सिस्टम इन विच, द फ्रेम और सिस्टम इन विच पार्टिकल मूव, इन विच पार्टिकल मूव, मूव विद
देखो इसमें तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसमें वेलोसिटी चेंज होती है, और वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, टाइम के अकॉर्डिंग त्वरण कहलाती है, यानी एक्सेलरेशन कहलाती है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर इन विच पार्टिकल मूव विद एक्सेलरेटेड वेलोसिटी, एक्सेलरेटेड वेलोसिटी। यानी हमारे पास एक तो क्या हो गई कांस्टेंट वेलोसिटी, और दूसरी उसकी वेलोसिटी में चेंज होता रहे, वेलोसिटी में चेंज होने को क्या बोलते हैं हम, त्वरण बोलते हैं, यानी एक्सेलरेटेड वेलोसिटी। जैसे आप एक एग्जांपल से समझिए कि एक ट्रेन जा रही है, ठीक है, वैसे ट्रेन का वेलोसिटी भी चेंज होता रहता है, बट अगर अपने पैरेलल देखें तो हमारे पास एक ट्रेन चल रही है जो हमारे पास 60 की स्पीड से जा रही है, यानी 60 किलोमीटर पर हावर जा रही है, और जब तक कोई आगे वाला स्टेशन नहीं आए तब तो वो एक पैरेलल वेलोसिटी के अंदर चलती है, उसकी स्पीड बिल्कुल पैरेलल चलती है। तो मान सकते हैं कि कंटिन्यूसली 60 की स्पीड से चल रही है, तो ये हमारे पास क्या हो गई कॉन्स्टेंट वेलोसिटी होगी। तो ये एग्जांपल तो हो गया हमारे पास इनिशियल फ्रेम का अंदर। दूसरा अपन कार का ले लें, कार का ले लें, और कार मान के चलेंगे कि एक शहर के अंदर ट्रैफिक के अंदर चल रही है, ठीक है, बड़ी इस मेट्रो सिटी के अंदर जब कार ट्रैफिक में चलेगी, कभी वो स्पीड से जाएगी, कभी धीरे हो जाएगी, कभी बत्ती आ जाएगी तो फिर आगे वाले गाड़ी के हिसाब से चलना पड़ता है, कभी स्लो होगी, कभी स्पीड से पकड़ेगी, कभी 40, कभी 20 जीरो से लेके, और वो एस्केलेट करती रहेगी, यानी उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, कभी 20 कभी 40, तो उसको हमने क्या बोल दिया एस्केलेटेड वेलोसिटी। तो बस दोनों में थोड़ा सा फर्क है कि अगर वही कार पैरेलल स्पीड से चले तब तो माना जाएगा इनिशियल फ्रेम के अंदर है, और अगर उसका एक्सेलरेटेड वेलोसिटी है तो वो माना जाएगा हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर है। और ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ यूनिट फर्स्ट के अंदर, यूनिट फर्स्ट का पहला ही पहला लेक्चर्स आप देखोगे तो उसके अंदर आपको ये इनर्शियल फ्रेम की डेफिनेशन से और नॉन इनर्शियल फ्रेम की डेफिनेशन लिखी हुई मिल जाएगी, ठीक है। तो एक बार आप फिर से लिख लो ताकि आपका रिविजन अच्छे से हो जाए, ठीक है। साथ साथ मैंने ये बताया था कि इनिशियल फ्रेम है या स्पेशल रिलेटिविटी है, इसके अंदर हमारे पास दो यूनिट हैं, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड। और वहीं मैंने बताया था कि जनरल रिलेटिविटी स्टार्ट करेंगे तब हमारे पास आ जाएगी यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ, ठीक है। इसी पेपर में एक और है हमारे पास कॉस्मोलॉजी नाम से, देखो ये रहा पेपर का नाम है ना, रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी। इस कॉस्मोलॉजी के अंदर है हमारे पास यूनिट फिफ्थ, जो हम यूनिट फिफ्थ पढ़ाएंगे तब हम इस कॉस्मोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो स्पेशल रिलेटिविटी है उसके अंदर यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड हम कंप्लीट कर चुके हैं, इसके अंदर हमारे पास टोटल लेक्चर 1, 2 से लेके 10 और 11 तक लेक्चर थे, टोटल 11 लेक्चर इसके अंदर मिलेंगे। इसके अंदर हमारे पास मिलेंगे लेक्चर 1, 2 से लेके 9 तक, ये हमारे पास 9 लेक्चर के अंदर कंप्लीट हो गई। तो कहने का मतलब हमने स्पेशल से रिलेटिविटी को कंप्लीट पढ़ लिया है, अब हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, जनरल रिलेटिविटी। यस, अब हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, जनरल रिलेटिविटी। और जनरल रिलेटिविटी किसके अंदर आ जाएगी, नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर यूनिट थर्ड, ठीक है। तो अब आप ये हेडिंग डालो कि एमएससी फाइनल ऑप्शनल पेपर रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी, और यूनिट हमारे पास है थर्ड, और इसका लेक्चर हमारे पास है नंबर 1, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 1, और स्टार्ट कहाँ से होगा, हमारे पास जनरल रिलेटिविटी, ठीक है। ये हमारे पास इसका एक बेसिक लेक्चर बनेगा, क्योंकि पहले हम जानेंगे जनरल रिलेटिविटी के बारे में, उसके बाद हमारे पास इसी के साथ ये यूनिट थर्ड स्टार्ट हो जाती है, ठीक है भाई। इसी के साथ ये हमारे पास यूनिट थर्ड स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लो, हमारे पास ये JPH की बुक है, ठीक है, और पेज 138 के ऊपर, पेज 138 के ऊपर आपको चैप्टर 3 मिलेगा जिसका नाम है हमारे पास जनरल रिलेटिविटी। इसका नाम हमारे पास क्या है, जनरल रिलेटिविटी, ठीक है भाई। यूनिट सिस्टम समझ चुके ना, क्या करना है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ लिया और क्या अभी पढ़ना बाकी है। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट यूनिट स्टार्ट करता तो कहीं ना कहीं हम असमंजस की स्थिति में रहते कि क्या सिलेबस रह गया और क्या हमारे पास ही बच गया है। तो हमारे पास चैप्टर 3 का है, और चैप्टर 3 हमारे पास सबसे पहले हम जानेंगे
कि हमारे पास जनरल रिलेटिविटी क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले ही पहले हम ये जानेंगे कि जो चैप्टर का नाम है, हम इसके बारे में एक बार एक संक्षिप्त डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअली हमारे पास ये जनरल रिलेटिविटी होती क्या है। तो एक तो ये पता चल गया कि जनरल रिलेटिविटी है, ये हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर है। ठीक है, तो अब आप बिल्कुल तैयार हो पढ़ने के लिए। यूनिट थर्ड हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले ही पहले मैं लिखूंगा जनरल रिलेटिविटी, तो क्यों ना उस साइंटिस्ट का नाम लिखा जाए जिन्होंने जनरल रिलेटिविटी के बारे में बताया था। ठीक है, तो जनरल रिलेटिविटी के बारे में आइंस्टीन ने बताया था, और आइंस्टीन कौन है ये मेरे को आपको बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जनरल रिलेटिविटी हमारे पास क्या होती है, तो हम बोलेंगे दिस थ्योरी केम इनटू द एक्सटेंस ऑफ ए आइंस्टीन। ठीक है, तो ये जो हमारे पास थ्योरी है ये हमारे पास किससे आई है भाई, आइंस्टीन ने, और ये शायद 1915 के अंदर दिया था। ये हमारे पास 1915 में आइंस्टीन से इस जनरल रिलेटिविटी के बारे में डिस्कस ही कर चुके थे। तो सबसे पहले जनरल रिलेटिविटी जिसने दी उसी के नाम से शुरुआत करते हैं कि दिस थ्योरी, यानी जनरल रिलेटिविटी कैम इनटू द एक्सटेंस बाई लगाओ, मतलब आइंस्टीन के द्वारा ये दिया गया था। ठीक है, ये तो चलो हमारे पास कोई खास मैटर नहीं करेगा, बस इतना पता होना चाहिए कि जनरल रिलेटिविटी के खोजकर्ता कौन है, आइंस्टीन है। उन्होंने क्या बताया कि इट डील्स विद नॉन इनर्शियल फ्रेम। यस, इट डील्स विद नॉन इनर्शियल फ्रेम और सिस्टम। इट डील्स विद नॉन इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम। आइंस्टीन ने बताया कि ये हमारे पास जो जनरल रिलेटिविटी है ये हमारे पास किसके अंदर है, नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या हो गया, आईई। नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या हो गया, आईई, ए फ्रेम और सिस्टम। इसकी डेफिनेशन लिख दो वापिस, ए फ्रेम और सिस्टम इन विच पार्टिकल मूव विद एस्केलरेटेड विलोसिटी। इन्होंने हमें बताया, आइंस्टीन ने, कि ये जो जनरल रिलेटिविटी है ये डील्स करेंगे हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में, और हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है, तो ये है हमारे पास द फ्रेम और सिस्टम्स इन विच पार्टिकल मूव विद एस्केलरेटेड वेलोसिटी। ठीक है, तो चलो बिल्कुल सिंपल स्टेप बाय स्टेप्स लिखते चलेंगे, कहीं भी अपने को एक भी वर्ड्स वगैरह रटने की जरूरत नहीं है। तो ये जनरल रिलेटिविटी है, ये आइंस्टीन ने 1915 के अंदर दी थी, और इन्होंने बताया कि ये सिस्टम से ये नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर लेके चलेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने स्पेशल रिलेटिविटी पढ़ी थी यूनिट फर्स्ट में, जो हमारे पास इनर्शियल फ्रेम के अंदर थी। तो आज हमारे पास स्पेशल की जगह जनरल नाम आ गया, इनर्शियल की जगह नॉन इनर्शियल फ्रेम आ गया। ठीक है, अब ये क्या है कि जनरल रिलेटिविटी एक्चुअली क्या है, तो फिर से एरो का साइन लगा के बताओगे कि जनरल रिलेटिविटी, अब देखो ये धीरे धीरे प्योर फिजिक्स जैसा बनता जाएगा, बट अपन इसको मैथ में ही रहने देंगे, तो इसको बिल्कुल हम इजी लैंग्वेज में लिखेंगे कि जनरल रिलेटिविटी इज थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है भाई, और ग्रेविटेशन शायद ही एक ऐसा स्टूडेंट्स हो जिसे इसका अर्थ हिंदी में मालूम ना हो, और नहीं है तो मैं बता दूं, आकर्षण शक्ति, आपने नाम सुना होगा ना, ग्रेविटेशनल्स, एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो तो होता है गुरुत्वीय बल, और एक होता है ग्रेविटेशन जिसको हम बोलते हैं आकर्षण शक्ति। ठीक है, तो जनरल रिलेटिविटी वास्तव में किसकी थ्योरी है, ये जो हम जनरल रिलेटिविटी पढ़ेंगे ये आइंस्टीन ने दी थी, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर है, और ये हमारे पास थ्योरी है किसकी, ग्रेविटेशन की थ्योरी है। ठीक है, और ग्रेविटेशन में क्या है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स
ठीक है, दोनों वर्ड्स में अंतर है, ग्रेविटेशन यानी आकर्षण शक्ति और ग्रेविटेशन फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल। इज ज्योमेट्री है यानी जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स है, गुरुत्वीय बल है, वो हमारे पास ज्यामितीय के अंदर है। एंड इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ जी आई जे और यहीं से अपना एक नया डायरेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। यस, जनरल रिलेटिविटी है वो वास्तव में हमारे पास ग्रेविटेशन की थ्योरी है, और ग्रेविटेशन में क्या कहता है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज्योमेट्री है, यानी इसको हम ज्यामिति के अंदर इसका स्टडी कर सकते हैं। उसको एक्सप्रेस कर दिया गया एंड इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ जी आई जे, इन टर्म्स ऑफ जी आई जे। अब ये जी आई जे क्या है, अब हम आपको बिल्कुल एमएससी परी की याद दिलाएंगे। आपका पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हुआ तो कोई बात नहीं, अपनी यहाँ काम चला लेंगे। ठीक है, एमएससी परिवेश में पेपर फोर था, सबको पता है डीजी एंड टीए था। टीए हमारे पास टेंसर एनालिसिस था, बहुत से बच्चों ने टेंसर एनालिसिस नहीं पढ़ा, तो मैं आपको बता दूं टेंसर एनालिसिस में उन्होंने कॉन्ट्रा वेरियंट है, को वेरियंट है, मिक्स टेंसर, जैसे ऐसे लग गया किसी के ऊपर आई लग गया इसका मतलब वो क्या हो गया, कॉन्ट्रा वेरियंट, फिर जे के नीचे आई लग गया इसका मतलब को वेरियंट, फिर ऊपर भी कुछ देख लग गया और नीचे भी लग गया, तो इसको बोलते हैं मिक्स टेंसर। ठीक है, ये जी आई जे कॉन्ट्रा वेरियंट वेक्टर टेंसर, ये को वेरियंट और ये हमारे पास है मिक्स टेंसर, कुछ इस प्रकार से हम पढ़ा करते थे। तो ये हमारे पास जी आई जे क्या है, तो आप लिखोगे जी आई जे इज ए फंडामेंटल टेंसर, जी आई जे इज ए फंडामेंटल टेंसर। यस, जी आई जे हमारे पास क्या है, फंडामेंटल टेंसर, और फंडामेंटल वर्ड्स मतलब होता है मूलभूत। फंडामेंटल का सीधा सीधा अर्थ मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इसका मतलब होता है आप 100% इसे रट लो, आप जैसा भी लिख दिया फंडामेंटल लगा के आप उसके अंदर किंतु परंतु नहीं कर सकते, आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है। तो फंडामेंटल वर्ड्स अपने आप में ही क्या कहता है, वो 100% ट्रू है, उसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, वो किसी टाइम प्रूफ किया जा चुका है। जैसे मान लो आपका आपका नाम है, कोई भी नाम है, जैसे मान लो आपका मोनिका नाम है, ठीक है, आपका मोनिका नाम है। अब मैं आपको पूछूं कि भाई आपका मोनिका नाम क्यों है, तो इस बात का हमें कोई हमारे पास कोई जवाब नहीं है, बस किसी टाइम में रख दिया गया, तो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट के अंदर फिक्स कर दिया गया कि हाँ ये मोनिका डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ है, फिक्स है। अब उसमें हम चेंज नहीं कर सकते, अगर आपको ये अपना नाम चेंज करना होगा तो आपको आपने बहुत बार अखबार पढ़ दे होंगे, उसके अंदर भीतर पेज पे छोटा सा एक कॉर्नर रहता है, उसके अंदर रहता है मैंने मेरा नाम फलाने से बदल के फलाना कर लिया है, मतलब कुमार का कुमार भी लगा दिया, जैसे मोनिका कुमारी आ गए उसको हटा के कुमारी से कुछ और लगाना है तो भी उसे बाकायदा उसे अखबार में पब्लिश करवानी होती है वो न्यूज़, और वो हमारे पास अजमेर बोर्ड में उसकी कॉपी लगती है, तब वो आपकी 10th की मार्कशीट में चेंज होके आएगा। उस अखबार में मतलब सूचना सार्वजनिक किए बगैर आप अपना नाम भी चेंज नहीं कर सकते, अगर आपने एक बार 10th की मार्कशीट में जो लिख दिया वही माना जाता है। तो कुल मिला के मतलब ये क्या है, मूलभूत है, इसके अंदर आप किंतु परंतु नहीं कर सकते, आपका नाम मोनिका ही क्यों है, आपका नाम दूसरा नाम क्यों नहीं हुआ, है ना। तो इसी प्रकार फंडामेंटल वर्ड अपने आप में कहता है कि अब ये जी आई जे हमारे पास फंडामेंटल है, अब हमें इसे ऐसे ही ऐसे लिखना पड़ेगा कि इसको मान के चलेंगे ये हमारे पास क्या है, टेंसर है। ये अलग बात है, ऊपर तो क्या होता है कॉन्ट्रा वेरियंट और नीचे क्या होता है को वेरियंट या को वेरियंट, जिसका हम आगे वर्ड इस्तेमाल करेंगे, ये को वेरियंट शब्द है इसका हम आगे इस्तेमाल करेंगे, ये हमारे पास फंडामेंटल रहेगा यानी 100% रहने वाला है। ठीक है भाई, तो फंडामेंटल जहां आ जाए बस हमेशा के लिए याद रख लो उसे, आप उसके ऊपर सवाल नहीं उठा सकते। जैसे ये दे रखा है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, भाई एनर्जी होती है वो एम सी स्क्वायर के बराबर होती है, G की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड है, ये सब हमारे पास क्या है, फिक्स है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये हमें मान के ही चलना पड़ेगा।
ठीक है, क्योंकि किसी टाइम में 1 किलो को 1 किलो ही माना गया था। अब कोई फिक्स थोड़ी था जिसने मतलब पत्थर उठा के रख दिया कि भाई इसे इतना वेट 1 किलो के बराबर माना जाएगा, तो वो माना गया। फिर उस पत्थर का हाफ किया गया, हाफ के जी हो गया। फिर उस पत्थर का डबल किया गया, 2 kg हो गया। फिर 2 2 kg के 2 1 जोड़ के 5 kg का, तो मतलब कोई ना कोई तो क्वांटिटी फिक्स थी कि इसे हम एक माने जाएंगे, बस वही क्या है फंडामेंटल है। ठीक है, तो चलो तो हमने लिख दिया कि द ग्रेविटेशनल फोर्स है, मतलब जनरल रिलेटिविटी है वो थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन की है, और ग्रेविटेशन के अंदर द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ज्योमेट्री एंड इज इन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ GIJ, और GIJ हमारे पास क्या है फंडामेंटल टेंसर्स है। ठीक है, इस फंडामेंटल टेंसर्स के अलावा जनरल रिलेटिविटी के अंदर और क्या क्या पढ़ा जाएगा, तो आप मेरे साथ साथ लिखो कि इन जनरल रिलेटिविटी आपको पूरे फिजिक्स के दर्शन करवा के लाता हूँ, एक्सप्लेन करती है क्या क्या एक्सप्लेन करेगी अब ये जनरल रिलेटिविटी, यानी आइंस्टीन ने जनरल रिलेटिविटी के माध्यम से क्या क्या सॉल्यूशंस किए। तो सबसे पहले आता है क्लॉक पैराडॉक्स, यानी उसका घड़ी का जो विरोधाभासी समय होता है उसकी समस्या इन्होंने सुलझाई। फिर हमारे पास आ जाता है एडवांस ऑफ पेरिहेलियन ऑफ प्लेनेट मरकरी। ठीक है, एडवांस ऑफ पेरिहेलियन ऑफ प्लेनेट मरकरी, आपने प्लेनेट ग्रह का नाम सुना होगा, मरकरी भी आपने सुना होगा, इसको बोलते हैं मतलब जब ये सूर्य के समीप जाते हैं मरकरी के अंदर तो पारा वगैरह चढ़ता है घटता है, ये सब फिजिक्स की बातें हैं। तो हमारे पास क्लॉक पैराडॉक्स की, एडवांस ऑफ पेरिहेलियन ऑफ प्लेनेट मरकरी की, फिर बेंडिंग ऑफ लाइट रे। रे का मतलब क्या होता है किरण, लाइट का मतलब हमारे पास क्या होता है प्रकाश होता है, किसके अंदर इन ग्रेविटेशनल फील्ड। इसके अलावा हमारे पास रेड शिफ्ट। अब बोलोगे रेड शिफ्ट क्या होती है, रेड शिफ्ट होती है हमारे पास वेव लेंथ। देखो रेड शिफ्ट होते हैं वो वेव लेंथ और फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड होता है, कि जैसे देखो रेडियो वगैरह पे म्यूजिक्स वगैरह होते हैं तो उसकी कितनी फ्रिक्वेंसी होती है और उसकी क्या वेव लेंथ होती है, तो उससे वगैरह हमारे पास रेड शिफ्ट संबंधित है, और उसी से हमारे पास रडार इको डिले सिस्टम से रिलेटेड है, इसी से हमारे पास रडार इको डिले सिस्टम से एटसेट्रा इत्यादि का हमारे पास एक्सप्लेन किया जाता है। तो लास्ट में लगा दो इत्यादि का हमारे पास अध्ययन किया जाता है। तो आप इसकी लैंग्वेज आप एक बार फिर से पढ़ सकते हो, इसमें हमें कुछ भी रटने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, बस आइंस्टीन ने क्या क्या किया जनरल रिलेटिविटी के अंदर, ये हम एक बार इसका बेसिक्स पढ़ रहे हैं ताकि आगे हमारे पास जो कॉन्सेप्ट या टॉपिक्स हैं उसके बारे में हमें थोड़ी थोड़ी जानकारी इसके बारे में मिलती रहे। तो जनरल रिलेटिविटी है आइंस्टीन ने 1915 में दी थी, और ये नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर बताया, तो मैंने नॉन इनर्शियल फ्रेम की डेफिनेशन लिख दी। फिर बताया गया कि जनरल रिलेटिविटी है वो एक्चुअली थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन यानी आकर्षण शक्ति के बारे में ही उन्होंने बताया था, और आकर्षण शक्ति के बारे में बताया तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स को वो फिक्स मान के आ गया GIJ, और GIJ हमारे पास फंडामेंटल टेंसर है, इसमें हम किंतु परंतु नहीं कर सकते, और टेंसर का मतलब आप MSc प्रीवियस में पढ़ के आए हैं, वही टेंसर को हम काम में लेंगे, मैं लिखवाता रहूंगा साथ साथ कि MSc प्री का कितना हिस्सा हमें काम में लेना है। ठीक है, फिर जनरल रिलेटिविटी एक्सप्लेन करती है, व्याख्या करती है किस किस की, क्लॉक पैराडॉक्स समय विरोधाभासी की, एडवांस ऑफ पेरिहेलियम ऑफ प्लेनेट मरकरी, बेंडिंग ऑफ लाइट रे, बेंडिंग का मतलब होता है झुकाव, कई बार आपने ऐसे देखा होगा कि जैसे मान लो प्रकाश की किरण आ रही है और आपने घर पे एक शीशा लिया और उसे ऐसे फोकस करके उसकी किरण दूसरी जगह ले गई, या फिर अपन उसकी किरणों को झुका सकते हैं, लगभग हर एक स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिकल किया है कि आपने कभी कभार शीशे से प्रकाश को ऐसे अपने कमरे में किसी कोने में घुसाया होगा तो आपने देखा होगा जो लाइट रे आ रही थी उसने आपको झुका दिया, किधर भी ले जा सकते हैं ऊपर नीचे किसी भी एक साइड के अंदर, जैसे यहाँ भी हमारे पास ट्यूबलाइट का
एक फोकस आ रहा है, यहाँ से आने के बाद वो दूसरी ओर जहाँ भी एक वाइट वो स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ उसके ऊपर इसका फ्लेक्स मैं देख सकता हूँ। हालांकि आप नहीं देख सकते, कैमरा हमारे पास इस साइड में है, तो मेरे जस्ट राइट हैंड साइड में मतलब इस वाली साइड के अंदर स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ जो इस लाइट कॉर्नर पर पड़ती है इसकी लाइट रे उसके ऊपर जा रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे पास क्या है, बेंडिंग ऑफ है लाइट रे, यानी इसका झुकाव है। ठीक है, जिसके अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, इसके अलावा रेड शिफ्ट मैंने बता दी, ये फ्रिक्वेंसी से संबंधित होती है, वेव लेंथ फ्रिक्वेंसी, ये प्योर फिजिक्स है हमारे पास रडार इको डिले सिस्टम से वगैरह के अंदर। तो ये जनरल रिलेटिविटी है, ये हमारे पास इतनी सारी बातों को इन्होंने एक्सप्लेन किया, और इनको एक्सप्लेन किसने किया, आइंस्टीन ने, कि उन कौन सी थ्योरी के माध्यम से, थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। ठीक है, अब ये हमारे पास एमएससी में कितना काम में लेंगे, अब हम उसे समझेंगे। ठीक है, ये तो हो गई हमारे पास जनरल थ्योरी या जनरल रिलेटिविटी। अब ये हमारे पास क्या करेगी, आइंस्टीन ने जनरल रिलेटिविटी के बारे में और क्या बताया, देयर आर टू मेजर प्रिंसिपल। ठीक है भाई, इतना लिखने के बाद अब हम अपना काम का लिखेंगे, आप नीचे लिखना मैं ऊपर लिखता हूं, कि देयर आर टू मेजर प्रिंसिपल, देयर आर टू मेजर प्रिंसिपल, टू मेजर प्रिंसिपल, देयर आर टू मेजर प्रिंसिपल, नंबर वन और नंबर टू, नंबर वन एंड नंबर टू, दो छोटे छोटे, या सॉरी मेजर का मतलब होता है बड़े, माइनर होता है छोटा, मेजर बड़े, दो बड़े सिद्धांत जनरल रिलेटिविटी से हम यहां निकाल के लाएंगे। नंबर वन प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस, प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस, प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस, प्रिंसिपल का मतलब क्या हो गया सिद्धांत, एंड प्रिंसिपल ऑफ जनरल, प्रिंसिपल ऑफ जनरल कोवेरियंस, जनरल कोवेरियंस। ठीक है, और कोवेरियंस किसकी वजह से लगा है, अभी अभी बताया था ना कि ये फंडामेंटल नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, कोवेरियंट, और कोवेरियंट की वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, कोवेरियंस बोलेंगे। ठीक है, सी ओ वी ए एन सी, ठीक है, इसकी मीनिंग थोड़े अच्छे से लिख लेना, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कोवेरियंस, ए ही ए आएगा, लास्ट में सी आएगा। तो हमारे पास यहाँ दो मेजर प्रिंसिपल निकल के आते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विवेलेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ जनरल कोवेरियंस, और ये दो प्रिंसिपल हमारे पास क्या काम करते हैं, विच प्ले रोल ऑफ ब्रिज, ऑफ ए ब्रिज बिटवीन द स्पेशल रिलेटिविटी एंड जनरल रिलेटिविटी, यस एंड जनरल रिलेटिविटी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ तक आने के बाद आप क्या लिखोगे, कि देयर आर टू मेजर प्रिंसिपल, यानी हम जनरल रिलेटिविटी के अंदर दो बड़े मुख्य सिद्धांत निकाल के लाएंगे। पहला सिद्धांत होगा हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस, और सेकंड होगा हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ जनरल कोवेरियंस, और ये सिद्धांत क्या करेंगे, विच प्ले रोल ऑफ ब्रिज, ब्रिज मतलब होता है सेतु का काम करेंगे, बिटवीन किसके बीच में, स्पेशल रिलेटिविटी एंड जनरल रिलेटिविटी, स्पेशल रिलेटिविटी एंड जनरल रिलेटिविटी के बीच में ये दोनों सिद्धांत अपना महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे। ठीक है, किस प्रकार का महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे वो हम इनके सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। और ब्रिज क्या होता है, सेतु, शायद आप समझ नहीं पाए होंगे इस बात को, इस बात को ऐसे समझो कि ये हमारे पास इंडिया है और ये हमारे पास यूएसए कंट्री है। ठीक है, पाकिस्तान नहीं लेंगे क्योंकि पाक की और इंडिया की लैंग्वेज लगभग एक जैसी है। इंडिया में मान के चलेंगे हमारे पास स्पेशल रिलेटिविटी है, स्पेशल रिलेटिविटी है, और यहाँ हमारे पास जनरल रिलेटिविटी है, यहाँ हमारे पास जनरल रिलेटिविटी है, इसको समझो एक बार। अब इनके बीच में एक पुल का काम करेंगे, एक ब्रिज का काम करेंगे, एक ब्रिज का काम करेंगे, एक पुल का काम करेंगे, एक सेतु का काम करेंगे इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। इसे ऐसे समझो, इंडिया में हमारे पास मान लो लैंग्वेज चलती है हिंदी या इंग्लिश भी चलती है, तो अमेरिका की लोकल लैंग्वेज कुछ और है,
तो आपने सुना होगा कि हमारे पास जितने भी देश होते हैं उसका हर एक कंट्री के अंदर विदेश मंत्रालय होते हैं। तो दूसरे देश के अपने जैसे इंडिया में दिल्ली में, दिल्ली है अपनी राजधानी, उसके अंदर हर एक कंट्री का आपको विदेशी दूतावास मिल जाएगा। आपने बहुत बार सुना होगा विदेशी दूतावास होते हैं, उनमें क्या होते हैं, द्विभाषीय होते हैं, द्विभाषीय होते हैं, त्रिभाषीय होते हैं, जो दो दो भाषा तीन तीन भाषा जानते हैं। जैसे मान लो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने अपने लैंग्वेज में कुछ बोला, फिर बीच वाले ने कुछ सुना, और यूएसए वाले डोनाल्ड ट्रंप से, अब तो चलो बाइडेन आ गया, बाइडेन को अपनी वाली लैंग्वेज में चेंज करके बता दिया, फिर उन्होंने उसका रिप्लाई दिया, बीच में इन्होंने उसको ट्रांसफर किया और इंडिया लैंग्वेज में ले आए। तो मतलब दोनों प्रेसिडेंट्स के बीच में, या इस प्राइम मिनिस्टर के बीच में और इस यूएसए के प्रेसिडेंट के बीच में कुछ लोगों ने वो क्या किया, भाषा का आदान प्रदान किया है। वैसे थोड़ी है कि मोदी वहाँ यूएसए जाने के लिए वहाँ की लैंग्वेज सीख के जाएगा, फिर वो कल मान लो चाइना में जाता तो फिर चाइनी भाषा बोलेगा, फिर वो रूस में जाता तो रशियन भाषा बोलेगा। तो क्या करते हैं, बीच में कुछ लोग होते हैं जो उनकी भाषा को कन्वर्ट कर देते हैं। ये किसका काम करते हैं, ब्रिज का काम करते हैं, मतलब इसकी सपोर्ट लेके अपने इसकी बात सुन ली, इनका सपोर्ट लेके इनका आंसर से वापस से सुन लिया। तो इसी प्रकार ये दो ऐसे प्रिंसिपल हैं, देखो नाम से स्पष्ट है, इक्विवेलेंस मतलब होता है तुल्य कर दो, उसको लगभग बराबर कर दो, दोनों की बातें एक दूसरे को सुना दो। फिर प्रिंसिपल ऑफ जनरल कोवेरियंस, मतलब ये आ गया टेंसर से रिलेटेड। तो ये हमारे पास क्या करेंगे, दोनों ही प्रिंसिपल रोल प्ले करेंगे, जो हम पढ़ चुके हैं स्पेशल रिलेटिविटी के बीच में और जो हम पढ़ने वाले हैं जनरल रिलेटिविटी के अंदर। ठीक है, तो अपने पास हर एक वर्ड्स का ऐसे मतलब होता है, कोई भी शब्द ऐसे फालतू में नहीं लिखा जाता। तो अब समझ गए ना कि कोई भी रोल प्ले करता है बीच में, ब्रिज सेतु का काम कैसे हो गया कि इसकी लैंग्वेज है ट्रांसफर, समझ गए। तो इस प्रकार से आप समझोगे तो एक साइड में स्पेशल रिलेटिविटी और दूसरी साइड में जनरल रिलेटिविटी, और इन दोनों के बीच में जो रोल प्ले होगा वो कौन करेंगे। अब देखो यहाँ ब्रिज का काम कौन कर रहा है, ये दोनों ही रूल्स कर रहे हैं। यस, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विवेलेंस और प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल कोवेरियंस। तो अब अपनी नेक्स्ट हेडिंग क्या होनी चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ ए कोवेरियंस एंड प्रिंसिपल ऑफ ए जनरल कोवेरियंस। एक तो इक्विवेलेंस आ गया और अब एक जनरल्स आ गया। ठीक है, अब आप लिखना मत, एक बार कारण बताऊंगा क्यों, क्योंकि सबसे पहले अब अपन हेडिंग डालेंगे प्रिंसिपल ऑफ ए, अब हम हेडिंग डालेंगे प्रिंसिपल ऑफ ए इक्विवेलेंस, और सेकंड है हमारे पास हेडिंग डालेंगे प्रिंसिपल ऑफ ए प्रिंसिपल ऑफ जनरल कोवेरियंस, जनरल कोवेरियंस। ठीक है, तो अब हम हेडिंग डालेंगे एक तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस और एक हम हेडिंग डालेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल कोवेरियंस। तो जैसे ही आप अपना सिलेबस देखोगे इस चैप्टर में सबसे पहला ही पहला टॉपिक यही आता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विवेलेंस, सेकंड टॉपिक आता है प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल कोवेरियंस, और इसके अंदर टोटल लैंग्वेज है और आधी से ज़्यादा लैंग्वेज हमारे पास है टेंसर एनालिसिस से, टेंसर एनालिसिस से रिलेटेड है। मोस्ट ऑफ लैंग्वेज हमारे पास क्या है, टेंसर एनालिसिस से रिलेटेड है, जो आप एमएससी प्री में पढ़ के आए थे। ठीक है, और वर्तमान की स्थिति आपकी ऐसी है कि आप लगभग भूल चुके हैं कि टीए या टेंसेस के बारे में हम क्या पढ़ के आए थे। बस दो चार नाम याद हैं कि हमारे पास कॉन्ट्रा वेरियंट सुना था, वो भी सुना था कॉन्ट्रा वेरियंट है, को वेरियंट है। अगर मान लो मैं आपको सडनली बोलूँ कि क्रिस्टोफ होल सिंबल क्या होता है, अब आपको नाम याद आ जाएगा, हाँ हमने क्रिस्टोफ होल सिंबल सुना था, शायद वो ऐसे होता है आई जे के, या वो ऐसे होता है आई जे के। अब मैं ये पूछ लूँ इसका फर्स्ट काइंड है या सेकंड काइंड है, तो शायद आप बता पाओ ये हमारे पास फर्स्ट काइंड है, ये हमारे पास है, ये सेकंड है, ऊपर वाला हमारे पास है फर्स्ट काइंड है, ये काम में लेंगे हम अभी। तो हमारे पास ये मान के चलो लगभग लगभग 50% तक टेंसर्स एनालिसिस है वो रिविजन होगा इधर। तो अगर मैं आपको पहले ही प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विवेलेंस बताऊं, प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल कोवेरियंस बताऊं, तो कहीं ना कहीं मैं तो चलो अच्छे से बता दूंगा, बट आपको इन पीछे की कमी की वजह से आपको बहुत सारी बातें रट के चलनी पड़ेंगी, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा। ठीक है, इसका मतलब इसे इन दोनों टॉपिक्स को हम लेक्चर्स में करेंगे।
नेक्स्ट लेक्चर्स में नाम नहीं लूंगा, क्योंकि जब तक हम एक बार पीछे का टेंसर्स एनालिसिस रिवीजन नहीं कर पाएंगे तब तक ये तो चलो हो जाएगा छोटा सा, ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंसी, बट प्रिंसिपल ऑफ जनरल कोवेरियंस नहीं होगा। तो हम मान के चलेंगे एक बार कि जब तक हमारे पास 6-7-8 लेक्चर हो जाए तो हम इसको किसी भी एक लेक्चर में पढ़ लेंगे। ऐसी बात नहीं कि इसको छोड़ के चलेंगे, 100% इसे पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम कुछ ऐसे टॉपिक्स कर लिया जाए ताकि हमारे पास कुछ टेंसर्स एनालिसिस है पीछे का रिवाइज हो जाए। हालांकि लिखना हमें यहां भी सीधा ही है क्योंकि हम ऐसी प्रीस तो पढ़ा नहीं सकते आपको, तो उसके बाद में मैं ये दोनों टॉपिक करवाऊंगा। तो आप इन दोनों टॉपिकों को लिख के और ऐसे लिख दो पेंडिंग, है ना। ध्यान रखना मेरा कोई भरोसा नहीं है, मैं छोड़ भी सकता हूं पर मैं छोड़ूंगा नहीं क्योंकि ये ऑनलाइन है, यहां बोलते हैं वो रिकॉर्ड होता है, ठीक है। फिर भी आप पेंडिंग डाल लो कि हां अपने को ये दो टॉपिक करने हैं, चाहे मैं इस यूनिट को लास्ट में ही क्यों ना बताऊं, क्योंकि यूनिट के लास्ट में बताएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। एक तो लास्ट लेक्चर होगा वैसे अच्छा लगेगा, और दूसरा इसके अंदर प्योर लैंग्वेज है, तब तक आपके पास अधिकांश लैंग्वेज आप ही कर चुके होंगे, ठीक है। तो अधिकांश लैंग्वेज आप ही कर चुके होंगे, ओके भाई, ठीक है। तो अब अपन इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये दो टॉपिक्स हम बाद में करवाएंगे। तो अब देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक से पेज 138 के बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस बाद में बताएंगे, और प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल कोवेरियंस बाद में बताएंगे। एक तो हम पढ़ेंगे मैक प्रिंसिपल और एक पढ़ेंगे हम जियोडेसिक पोस्टुलेट। तो अब आप हेडिंग डालो पेज 142 के ऊपर, और टॉपिक है हमारे पास 3.6 टॉपिक है हमारे पास है 3.6 मैक प्रिंसिपल को बाद में करवाएंगे, टॉपिक है हमारे पास है जियोडेसिक पोस्टुलेट, जियोडेसिक पोस्टुलेट, ठीक है भाई। अब हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, हमारे पास नया टॉपिक आ गया जियोडेसिक पोस्टुलेट, ओके भाई। अब देखो एक वर्ड है पोस्टुलेट, ये वर्ड्स मैं बता चुका हूँ हमेशा प्रीवियस के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक के अंदर कि पोस्टुलेट का मतलब ही क्या होता है, और ये मैं विस्कस फ्लूड डायनेमिक्स पढ़ाते वक्त भी बता चुका एमएससी फाइनल के अंदर, और शायद फर्स्ट यूनिट के अंदर भी मैं बता चुका होगा कि पोस्टुलेट का मतलब ही क्या है, कि इसके नीचे लिखी जितनी भी कंडीशंस हैं वो 100% प्रूव हैं, वो 100% ट्रू हैं या 100% प्रूव किया हुआ है, ठीक है। वो 100% हमारे पास है ट्रू है या वो 100% हमारे पास है प्रूव किया हुआ है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास पोस्टुलेट्स का मतलब। तो मतलब अब मैं यहाँ जो नीचे लाइन लिखूंगा वो हमारे पास 100% प्रूफ किया हुआ होगा। और जियोडेसिक पोस्टुलेट क्या है, अब आप बोलोगे मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी, बट एमएससी परी का है, एमएससी परी का है, और चैप्टर 4 अगर आप जेपीएस की ही बुक रखिए, अदर राइटर की रखिए, तो आप देख लेना चैप्टर 4 का नाम ही हमारे पास जियोडेसिक पोस्टुलेट था। तो मेरे पास ये बुक्स है, अगर आप लोगों के थोड़ा बहुत याद आता होगा तो ये हमारे पास एक टेंसर्स एनालिसिस बुक है, इसके अंदर हमारे पास चैप्टर 4 है, वो है जियोडेसिक एंड पैरेललिज्म ऑफ वेक्टर्स। तो इसके अंदर आपने जियोडेसिक पढ़ा था, और जियोडेसिक्स में आपने 100% d2 एक्स की पावर i अपॉन ds2 कुछ इस प्रकार की इक्वेशंस आपने पढ़ी थी, प्लस ijk अब मैं लिखने वाला हूँ। तो मतलब अपन जियोडेसिक पोस्टुलेट्स के अंदर जितना भी लिखेंगे वो हमारे पास से 100% एमएससी प्री का है। तो आप एक बार इसे लिख लीजिए, ठीक है, ताकि हमारे पास यहाँ आ जाए और अपने भी एग्जाम में पूछ सकता है पूरे 5 नंबर का। तो एमएससी परी के अकॉर्डिंग, इस एमएससी प्रीवियस की क्लासेस के अकॉर्डिंग, ये जो जियोडेसिक पोस्टुलेट है ये न्यूटन ने बताया था अपनी मैकेनिक्स के अंदर। तो सबसे पहले जियोडेसिक पोस्टुलेट में आप क्या लिखोगे, इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स, इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स, आप समझ गए ना कि आपके पास ज़्यादातर बातें याद रखने वाली हैं, और वजह हमारे पास ये टेंसर्स एनालिसिस हम पहले परी के अंदर पढ़ चुके हैं। तो इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स वी नो दैट वी नो दैट ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन,
मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग क्या, मान लो कोई भी पार्टिकल्स है, ये हमारे पास एक है, जैसे मान लो एक बॉल है और उसको हमने ग्राउंड के ऊपर छोड़ दिया, तो मान लो ये बॉल हमारे पास बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट चली गई, तो ये हमारे पास क्या आ गई, एक स्ट्रेट लाइन आ गई। ये हमारे पास क्या आ गई, एक स्ट्रेट लाइन आ गई। पर जरूरी तो नहीं है स्ट्रेट जाए, हो सकता है ये बॉल हमारे पास से ऐसे करके ऐसे आ जाए, है ना। तो अब ये क्या बन गया हमारे पास, कर्व। ये क्या बन गया हमारे पास है, कर्व। या मतलब हो सकता है ये बॉल किसी सर्किल के अराउंड में घूमती हो, तो ये भी क्या है, एक कर्व। हो सकता है बॉल हमारे पास इस प्रकार से ऑसिलेट करें, तो ये भी क्या है हमारे पास है, कर्व। तो मतलब स्ट्रेट लाइन को हम किस में चेंज करेंगे, कर्व के अंदर चेंज करेंगे। तो इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स से वी नो दैट ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तो वी जनरलाइज दिस कॉन्सेप्ट, वी जनरलाइज दिस कॉन्सेप्ट। अब हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा जनरलाइज करेंगे और क्या लिखेंगे, द पाथ ऑफ पार्टिकल, द पाथ ऑफ पार्टिकल, पाथ ऑफ ए पार्टिकल, यानी हमारे पास जो कण का, जो पार्टिकल जा रहा है उसका रास्ता, द पाथ ऑफ पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ ए, प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल, इन ग्रेविटेशनल फोर्स। अरे सीधी सी बात है, मान लो अपन कोई बॉल फेंक रहे हैं, ऐसे हमारे पास कोई बॉल चलती हुई जा रही है, तो उसके अंदर कोई ना कोई फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि खुद बॉल का भी तो क्या है, वेट है, चाहे भले ही वो 2 ग्राम ही क्यों ना हो। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि वी जनरलाइज दिस कॉन्सेप्ट, द पाथ ऑफ पार्टिकल, द पाथ ऑफ पार्टिकल इज प्रेजेंस ऑफ, द पाथ ऑफ पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ ए ग्रेविटेशनल फील्ड इज ए स्ट्रेट लाइन। ग्रेविटेशनल फोर्स मत लिखो, फील्ड इज ए स्ट्रेट लाइन, इज ए स्ट्रेट लाइन, इज ए स्ट्रेट लाइन करस्पोंडिंग टू, करस्पोंडिंग इन टू ए रिमानियन स्पेस, रिमानियन स्पेस। अब ये रिमान स्पेस हमारे पास क्या है, अब ये आपका अमसी परिवेश में अच्छे से पड़ा हुआ है। ठीक है, रिमान स्पेस आपका अमसी परिवेश में अच्छा सा पड़ा हुआ है, या इसका अगर मैं मतलब बताना चाहूं, इट मीन्स द पाथ ऑफ पार्टिकल, आई ई द पाथ ऑफ पार्टिकल, द पाथ ऑफ पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल, तो देखो हमारे पास एक बार वापस समझो इसको कि इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स वी नो दैट ए पार्टिकल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। अब जरूरी नहीं है कि वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन बने, वो हमारे पास कर्व की शेप में भी आ सकता है, तो हमने इसको जनरलाइज करके लिख दिया कि द पाथ ऑफ पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। देखो जब तक उसके ऊपर कोई गुरुत्वीय फील्ड काम नहीं करेगी, तब तक वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन में चलता जाएगा। अरे अपन कोई बॉल फेंक रहे हैं, वैसे घूम के थोड़ी आएगी, वो कब घूम के आएगी, जब इसके अंदर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स इसको साइड इफेक्ट करे, उसकी वजह से ये अपना रास्ता चेंज करे, अदरवाइज वो बॉल हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में चलती जाएगी, भले ही वो डायरेक्शन कोई भी हो। तो जब तक इसके ऊपर कोई ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर कोई फोर्स काम नहीं करेगा, तब तक ये अपना रास्ता पथ चेंज नहीं करेगी, और पथ चेंज करने के बाद ये क्या बन जाएगा, एक काओ की शेप बन जाएगी। तो हमने लिख दिया कि वी जनरलाइज दिस कॉन्सेप्ट, द पाथ ऑफ पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज ए स्ट्रेट लाइन करस्पोंडिंग इनटू रिमान स्पेस, करस्पोंडिंग इनटू रिमान स्पेस। इसका मतलब क्या हुआ, आई ई द पाथ ऑफ पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल बिकेम कर्व, कर्व, बट द स्ट्रेट लाइन इज कर्व। तो उस वक्त ये जो कर्व है, यही हमारे पास क्या कहलाएगा, जियोडेसिक कहलाएगा, एंड विच इज नोन एज ए जियोडेसिक पोस्टुलेट, विच इज नोन एज जियोडेसिक, जियोडेसिक पोस्टुलेट, जियोडेसिक पोस्टुलेट।
ठीक है। आप तो बिल्कुल देखो जियोडेसिक क्या होता है, इसे एकदम रिलैक्स माइंड से एक ही बात एडजस्ट कर लो कि कोई भी बॉल है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएगी जब तक उसके ऊपर कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं लगेगा। जब ये ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर कोई फोर्स काम कर रहा है और इसका डायरेक्शन चेंज कर रहा, तो उस वक्त ये कर्व की शेप बन जाएगी। तो मतलब थी तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन, अब ये क्या बन गया, कर्व, और यही पोजिशन क्या कहलाएगी, जियोडेसिक कहलाएगी। तो बिकेम कर्व बट द स्ट्रेट लाइन इज कर्व इज ए जियोडेसिक, ठीक है। तो ये आपका वैसे हम ऐसी प्री में पढ़ा हुआ है, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो अब आप याद रख लो कि जियोडेसिक पोस्टुलेट्स हमारे पास ही यही होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, यही जियोडेसिक पोस्टुलेट्स कहलाएगा। तो आपको इसकी लैंग्वेज लिख दी है, हेंस द इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब आप लास्ट में क्या लिखोगे, हेंस द इक्वेशन ऑफ मोशन। इस कंडीशन में हमारे पास, अब देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन यानी उस कण की गति, तो हम क्या लिखेंगे, हेंस इक्वेशंस ऑफ मोशन से इन जनरल रिलेटिविटी, इन जनरल रिलेटिविटी, इन जनरल रिलेटिविटी इज गिवन बाई, इन जनरल रिलेटिविटी इज गिवन बाई, इज गिवन बाई, अब ये आप याद रखोगे, इज गिवन बाई ए जियोडिक इक्वेशंस, ठीक है, इज गिवन बाई ए जियोडेसिक इक्वेशन। और कौन सी इक्वेशंस, ये नंबर वन इक्वेशन से डी टू अक्स की पावर आई अपॉन डी एस टू, अपॉन डी एस टू प्लस आई जे के, और इस प्रकार का सिंबल लगाओगे, यहाँ लिखोगे आई और यहाँ लिखोगे जे और यहाँ लिखोगे के, और डी एक्स की जे डी एक्स की के, डी एक्स की जे अपॉन डी एक्स, डी एक्स की स्मॉल के अपॉन डी एस। देखो d2 अक्ष से i अपॉन डी एस टू प्लस, और ये एक प्रकार से ये से साइन लगाओगे हाफ एल शेप में, एल को आप ऐसे कर दो, ऊपर लगाएंगे i और यहाँ लगाएंगे जे के, और d अक्ष की j अपॉन डी एस, डी एक्स की k अपॉन डी एस इज इक्वल टू जीरो, और ये हमारे पास आ गई जियोडिक इक्वेशन। और बिल्कुल हम इसे एम एस सी प्री की वजह से ऐसा लेके आए, ठीक है भाई। तो यहाँ आने के बाद आपको ये रिमेम्बर करनी है, इसमें आपको कोई किंतु परंतु नहीं करना है, क्योंकि पोस्टुलेट का वर्ड ही हमारे पास यही बातें बोलता है। तो मतलब मैंने यहाँ जो लिखा है वो आपको सीधी नॉर्मल भाषा में बात करें तो आपको याद रखना है। आगे चल के हम इस जियोडिक पोस्टुलेट को क्वेश्चंस और प्रॉब्लम सोल्व करने में काम में लेंगे, तब आप इस इक्वेशंस को ध्यान में रखोगे, डी टू एक्स की पावर आई अपॉन डी एस टू प्लस आई जे के डी एक्स की जे अपॉन डी एस, डी एक्स की के अपॉन डी एस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन सुबन आ गई, अब इसे हम एमएससी परिवेश की वजह से सोल्व करेंगे, और कुछ बातें हमारे पास एमएससी प्री की इसके अंदर काम में आने वाली हैं। तो हमारे पास टेंसर एनालिसिस है, तो मजबूरी है बार बार प्रीवियस क्लासेस को बीच में रिपीट करना, ठीक है, पर मजा आएगा। पढ़ा हुआ होगा तो 100% याद आ जाएगा, नहीं पढ़ा हुआ होगा तो आप साथ साथ ही लिख लीजिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे, इस इक्वेशन के नीचे लिखोगे वेयर आई जे के, वेयर आई जे के इज इक्वल टू 1, 2, 3 और 4, यस 1, 2, 3 और 4, और ये क्या होता है, इन स्पेस टाइम, इन स्पेस टाइम याद आ जाएगी, यूनिट फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट के अंदर और सेकंड के अंदर हम एक पॉइंट लिखते थे जिसके अंदर एक्स वाई जेड तक तो था ही था, ये तो हमारे पास क्या आ गया, स्पेस। ये तीन कोऑर्डिनेट किसका काम करते हैं, स्पेस का, और चौथा कोऑर्डिनेट और आता था टाइम का, चौथा कोऑर्डिनेट और आता था हमारे पास है टाइम का। तो अब हमारे पास इस यूनिट थर्ड में बार बार एक वर्ड आएगा, स्पेस टाइम। स्पेस टाइम का मतलब ही हमारे पास क्या, कोई ऐसा पॉइंट है जिसके पास चार कोऑर्डिनेट हैं, एक्स वाई जेड एंड टी, तो एक्स वाई जेड एंड टी, तो ये हमारे पास आई जे के क्या आ गए, 1, 2, 3, 4 के बराबर आ गए, ठीक है, एक बात। एंड दूसरा देखिए, एंड आई जे के क्या है, यस आई जे के, या तो आप इसे ऐसे लिखिए या फिर आप इसे करली ब्रेकेट लगा के आई ऊपर लिखिए और जे के नीचे लिखिए, यस करली ब्रेकेट यानी मंजिला कोष्टक लगा के बोलोगे, और ये हमारे पास है क्रिस्टोफोल सिंबल, यस क्रिस्टोफोल सिंबल है जी, ये हमारे पास क्या है, क्रिस्टोफोल सिंबल है, ये मीनिंग्स आप देख लेना भाई अच्छे से, अपनी बुक साथ में रखना।
तो ये हमारे पास क्या है, आई जे के का सिंबल चाहे आप ऐसे लगाइए या फिर आप ऐसे लगाइए कर्ली ब्रैकेट के अंदर, आई जे के हमारे पास ये क्रिस्टोफॉल सिंबल है। और कौन सी टाइप का क्रिस्टोफॉल सिंबल है, क्रिस्टोफॉल सिंबल ऑफ ए सेकेंड काइंड, ऑफ ए सेकेंड काइंड, ठीक है, क्रिस्टोफॉल सिंबल ऑफ ए सेकेंड काइंड। तो उससे पहले लिख लेना कि सिंस वी नो दैट, मैं यहां लिख देता हूं ताकि परी रिवाइज हो जाए, सिंस वी नो दैट क्रिस्टोफॉल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड, क्रिस्टोफॉल सिंबल ऑफ ए फर्स्ट काइंड, मतलब क्रिस्टोफॉल सिंबल का फर्स्ट काइंड किस प्रकार से दिया जाता है, तो उसमें बड़ा कोष्टक लगेगा, यहां आएगा आई और जे और यहां आएगा स्मॉल के इज इक्वल टू, आई जे के, आई जे एक साथ आएंगे और के हमारे पास है इस साइड में, और ये आ जाएगा डी, एक बार तो आप अपन लगाएंगे आई के साथ के, एक बार तो अपन क्या करेंगे आई के साथ के लगाएंगे, एक बार हम लगाएंगे जे के साथ के, एक बार हम लगाएंगे जे के साथ के, जे के साथ के, और एक बार हम लगाएंगे आई और जे, जी के साथ क्या लगेंगे आई और ए जे। देखो इसको याद रखने का तरीका हमारे पास क्या होता है कि आई जे के होता है, ये आ जाएगा सबसे पहले का आई का के के साथ, आई का के साथ, जे का के साथ और माइनस आई जे, माइनस ए आई जे, जी का आई, देखो आई का के साथ जी तो लग जाएगा क्योंकि जी तो हमारे पास क्या है ग्रेविटेशनल फील्ड का फोर्स है, तो यह आ जाएगा हमारे पास आई का के साथ, जे का के साथ और माइनस आई जे। अब देखो आई और के अलावा क्या बच गया, जे बच गया, तो यहां तो हम क्या लगाएंगे डेल जे लगाएंगे, ठीक है, यहां हम लगाएंगे डेल एक्स की पावर जे, यहां हम लगाएंगे डेल एक्स की पावर और यहां हम लगाएंगे डेल एक्स की पावर, जे और के आई बच गया और आई और जे हमारे पास ही के आ गया। तो ध्यान रखना ये हमारे पास नीचे की ओर लगेंगे ये कोवेरिएंट और ये हमारे पास ऊपर की ओर लगेंगे कॉन्ट्रावेरिएंट, और बाहर इसके फॉर्मूले में 1/2 पूरे के साथ हैं। तो ये तो हमारे पास होता है क्रिस्टोफॉल सिंबल ऑफ ए फर्स्ट काइंड एमएससी प्रीवियस आई जे के इज इक्वल टू हाफ डेल जी आई के अपॉन डेल एक्स की जे डेल जे, मतलब याद ऐसे रखना है कि ये आई के साथ, ये जे के साथ और फिर माइनस आई जे, इसके में मिस कौन है जे नीचे आ जाएगा, मिस कौन है आई इधर आ गया और मिस कौन है के इधर आ गया। एंड क्रिस्टोफॉल सिंबल सेकंड काइंड क्या होता है, एंड क्रिस्टोफॉल सिंबल ऑफ ए सेकंड काइंड क्या होता है, तो सेकंड काइंड का सिंबल या तो आप ऐसे लिखोगे आई जे और के, या फिर आप ऐसे लिखोगे कर्ली ब्रैकेट आई ऊपर आ जाएगा जे और के, या फिर इस प्रकार से लिखोगे, और इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है जी की पावर आई, इसकी डेफिनेशन होती है जी की पावर आई और इसे फर्स्ट काइंड बना दो आई जे के, इसे हमारे पास फिक्स बना दो जे और के। देखो याद रखने का तरीका यहां हमारे पास आ जाएगा जे और के, मतलब सेकंड काइंड है उसको वापस हम फर्स्ट काइंड में जनरेट करेंगे, तो आई ऊपर है तो जी के आई लगा दो, जे के है तो जे के लगा दो, अब यहां कॉमा छोड़ दिया, अब यहां जो सिंबल लगाओगे कोई भी, जैसे मान लो मैंने एल लगा दिया तो आप एल इधर लगाओगे, मान लो मैंने म्यू लगा दिया तो आप म्यू इधर लगाओगे, और ये हमारे पास एम एस सी प्रीवियस टेंसर्स एनालिसिस की बुक में और हमारे पास चैप्टर नंबर थ्री के अंदर ही है स्टार्टिंग के अंदर, मतलब चैप्टर का नाम ही हमारे पास क्या है क्रिस्टोफॉल सिंबल है, ठीक है, तो ये आपको बुक्स में देखने को मिल जाएंगे पेज 68 के ऊपर। तो ये इतना हिस्सा हमारे पास है एमएससी परी पेज 68, आप लिख लेना डायरेक्ट अपने टॉपिक्स में लिख लेना क्योंकि अपने को समझना है तो आपकी कोई भी बातें मिस ना रहे, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास है आई जे के और आई जे के इज इक्वल टू जी आई एल और जे के और एल, ठीक है भाई। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, यहाँ हमारे पास फुल्ली एमएससी प्रीवियस का क्या हो गया रिवाइज हो गया है। तो अब बताइए हमारे पास यहाँ तक ठीक है, अब लिखेंगे सिंस इज अब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशन, देखिए यहाँ तक लिख लिया, अब हम लिखेंगे सिंस इन अब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब अगर हमारे पास ग्रेविटेशन है ही नहीं तो क्या होगा, तो क्या होगा भाई आई जे के क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो अब आप लिखेंगे
सिंस इन द अब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशन, अब हम लिखेंगे कि सिंस इन अब्सेंस ऑफ, सिंस इन अब्सेंस यानी अब्सेंट है, इन अब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशन, अब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशन, ध्यान से देखो, अब ये आई जे के है, आप लिखना मत, केवल मैं आपको समझा रहा हूं, ये हमारे पास क्या है, आई जे और के, मतलब क्रिस्टोफल सिंबल है सेकंड काइंड का, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आई जे और के। अब इसकी डेफिनेशन हमारे पास किस प्रकार से, अभी इसकी डेफिनेशन हमारे पास किस प्रकार से है कि जी की पावर ऊपर आई है तो आप आई लगाइए और ये जे के लगाइए, अब आपकी मर्जी, आप यहाँ कुछ भी लगाइए, जैसे मान लो मैंने यहाँ एल लगाया और यहाँ मैंने एल लगाया, अब ये क्या बन गया, फर्स्ट काइंड, अब ये क्या बन गया हमारे पास फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड की डेफिनेशन क्या होती है, वन बाई टू और डेल जे, डेल डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल एक्स, जे जाएगा एल के साथ, देखो पहले जे जाएगा एल के साथ, फिर के जाएगा एल के साथ, फिर के जाएगा एल के साथ, फिर माइनस डेल और ये आ जाएगा जे के, माइनस ये क्या आ जाएगा जे के। अब नीचे कौन बचा, आई क्या आ गया, जे आ गया और एल आ गया के, तो ऊपर के लगा दो, यहाँ क्या आ गया के और एल, जे बचा तो आप ऊपर जे लगा दो, इधर जे के आ गया तो इधर एल लगा दो। तो एक्चुअली यहाँ हमारे पास इस इक्वेशन वन में लिखा हुआ है वो हमारे पास क्या आ गया, ये वाला आ गया, तो आप इस इक्वेशन वन को ऐसे लिख सकते हैं। तो पहले तो आप ये लिखना ये वाला कि आई जे के एक्चुअली हमारे पास किस प्रकार से डिफाइन हो गया, ये सेकंड काइंड की डेफिनेशन लगाई, फिर ये हमारे पास फर्स्ट काइंड आ गया तो हमने इसके अंदर फर्स्ट काइंड की डेफिनेशन लगा दी। ओके, अब देखो हमारे पास फर्स्ट काइंड की डेफिनेशन से लगाने के बाद, अब मैंने बोल दिया कि सिंस इन अब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशन आई ई इन फ्लैट टाइम, आई ई इन फ्लैट स्पेस टाइम, आई ई इन फ्लैट स्पेस टाइम, इसको भी समझाएंगे, स्पेस टाइम तो मैं आपको बता चुका हूँ, फ्लैट स्पेस टाइम है इसको भी समझाएंगे, जी आई जे इज कॉन्स्टेंट, जी आई जे इज कॉन्स्टेंट, जी आई जे इज कॉन्स्टेंट, मतलब ये हमारे पास ये जो जी है ये कॉन्स्टेंट बन गया, तो देखिए ये कॉन्स्टेंट बन गया डिफ्रेंशिएशन करेंगे जीरो, ये कॉन्स्टेंट बन गया डिफ्रेंशिएशन करेंगे जीरो, ये कॉन्स्टेंट बन गया डिफ्रेंशिएशन करेंगे जीरो, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पूरी टर्म जीरो और ये जीरो, तो उस वक्त हमारे पास आई जे और के क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, उस वक्त हमारे पास आई जे के क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, कब आया, जब ये मेरे पास जी कॉन्स्टेंट आ गया, ये हमारे पास जी क्या आ गया, कॉन्स्टेंट, अब ऐसे मत समझना कि सर यहाँ तो आई जे है तो यहाँ तो के एल आ गया, अब ये आई जे के एल सारे सिंबल एक जैसे हैं क्योंकि सभी की वैल्यू क्या है हमारे पास आई जे के इज इक्वल टू वन टू थ्री और फोर है। ठीक है, तो एक इसमें नाम आया फ्लैट स्पेस टाइम से, वेयर फ्लैट स्पेस टाइम लिख लो आप, फ्लैट स्पेस टाइम क्या होता है, फ्लैट टाइम स्पेस के लिए एक डेफिनेशन जो हम यूनिट फर्स्ट में क्लियर कर चुके हैं, सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर माइनस डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई स्क्वायर माइनस डी जेड स्क्वायर माइनस डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं फ्लैट स्पेस टाइम, इस टाइम स्पेस टाइम का मतलब चार कोऑर्डिनेट आना चाहिए, एक्स वाई जेड और टी, एक्स वाई जेड और टी, सी हमारे पास लाइट ऑफ वेलोसिटी प्रकाश का वेग है, तो ये फ्लैट स्पेस टाइम कहलाएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास आई जे के क्या आ गया, जीरो आ गया, तो अब आई जे के जीरो कहाँ रखें, इस इक्वेशंस वन के अंदर, इसे आप मान लो इक्वेशंस टू, तो नाउ फ्रॉम इक्वेशंस वन एंड टू, नाउ फ्रॉम इक्वेशंस वन एंड टू, अब जल्दी जल्दी देख लो क्योंकि समझाने वाली बात थी वो अपन समझ चुके हैं, डी एस टू प्लस, देखो यहाँ जीरो रखेंगे तो टोटल टर्म ही क्या आ जाएगी, जीरो, इंटीग्रेशन करो इसका, इंटीग्रेटिंग इट, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ तो बचेगा एक डी बाई डी एस एक्स की आई और इधर इधर क्या बचेगा ए, वेयर ए क्या है कॉन्स्टेंट, वेयर ए इज ए कॉन्स्टेंट। ठीक है भाई, इंटीग्रेशन करेंगे एक डी एस को इधर ले जाइए, ऐसे नहीं समझ में आए तो ऐसे लिख लिए, डी बाई डी एस डी एक्स बाई डी एस इज इक्वल टू जीरो, तो ये चला गया एस के रिस्पेक्ट में कॉन्स्टेंट आ गया, दोबारा इंटीग्रेशंस कर दो, दोबारा इंटीग्रेशंस करेंगे, अगेन इंटीग्रेटिंग इट, अगेन इंटीग्रेटिंग
अगेन इंटीग्रेटिंग इट, दोबारा करेंगे तो एस इधर जाएगा, तो इसका तो क्या बचेगा एक्स आई, और ये क्या बचेगा ए इंटू एस प्लस बी, वेयर ए बी कॉन्स्टेंट, वेयर ए बी हमारे पास कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अब बताओ एक बार कंपेरिजन करके देखो, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी करके देखो एक मिनट, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या होती है एक स्ट्रेट लाइन, तो y की जगह कौन काम कर रहा है x, x की जगह कौन काम कर रहा है s, अरे ऐसे तो होता है dy बटा dx, तब आती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन, तो y की जगह कौन है x की i, x की जगह कौन है s, m क्या है कॉन्स्टेंट, तो a कॉन्स्टेंट है, c क्या है कॉन्स्टेंट, तो b कॉन्स्टेंट है, यानी हमारे पास दोबारा इसका इंटीग्रेशन करने पे क्या आ गया x i इज इक्वल टू a इंटू एस प्लस बी, और विच इज Which is a straight line? Yeah. Which is a straight line? Which is a straight line? अब बताओ अपने लैंग्वेज के अंदर लिखी थी तो वही है, तो लिखी थी कि स्ट्रेट लाइन ही हमारे पास क्या होती है जियोडेसिक होती है, तो आप लिखोगे therefore in the absence of gravitation, ठीक है। ये कंडीशन कब आई है भाई, जब हमने जी को क्या माना है जीरो माना है, सॉरी ग्रेविटेशन को क्या माना है कांस्टेंट माना है, तो लास्ट लास्ट में क्या लिखोगे देयरफॉर इन द अब्सेंस ऑफ ए ग्रेविटेशन, देयरफॉर इन द अब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशन, देयरफॉर इन द अब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशन द इक्वेशंस जियोडिक इज The equation of a geodesic is a straight line. तो अब आपको कोई भी पूछे कि भैया geodesic क्या होता है, तो आप एक ही बोलोगे geodesic is a straight line, क्या बोलोगे भाई geodesic is a straight line, और बोल देना कि अक्स आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, चाहे आप सी वन सी टू ले लो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर आप ए और बी ले लो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास जियोडेसिक पोस्टुलेट्स, तो जिसके अंदर आपने देखा कि एमएससी प्रीवियस की एक इक्वेशंस काम में आई है, और क्रिस्टोफर सिंबल भी एमएससी प्री के ही काम में आए हैं, ठीक है। तो अब मैं मान के चलूंगा एमएससी प्रीवियस का आपको थोड़ा सा हिस्सा याद हो गया है, कौन कौन सा हिस्सा भाई, एक तो हमारे पास जियोडिक्स के लिए इक्वेशन क्या आ जाएगी डी टू अक्स की आई, अब उतारना मत एक बार याद रखना है, पीछे का हिस्सा कौन कौन सा काम में लिया है प्लस आई जे के, प्लस आई जे के, और ये आ जाएगा हमारे पास डी एक्स की जे अपॉन डी एस नीचे वाला, और डी एक्स की के अपॉन डी एस इज इक्वल टू जीरो, एक तो हमने ये काम में लिया था। अब ये आई जे के क्या है, अब ये हमारे पास है आई जे के ऐसे सिंबल लिखिए या फिर आप इसका ऐसे सिंबल लिखिए, ये हमारे पास क्रिस्टोफर सिंबल है सेकंड काइंड का, जो दिया जाता है जी की पावर आई, और ये नीचे वाला जे के ऐसे लिखिए, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ आप मान लो यू म्यू मान लेते हो म्यू, तो अपन यहाँ म्यू ले लेंगे, पहले मैंने एल लिया था तो हमने इधर एल ले लिया, तो ये तो हो गया हमारे पास क्रिस्टोफर से का सेकंड काइंड हो गया सिंबल का। अब ये क्या है फर्स्ट काइंड है, अब आप इस जे के और म्यू को कैसे लिखोगे, तो पहले लिखना है जे का लो म्यू के साथ, जे का म्यू के साथ, प्लस जी लगाते चलो के का म्यू के साथ माइनस दोनों जे के एक साथ आ जाएंगे, माइनस जे के एक साथ आ जाएंगे, डिफरेंशिएशन कर दो अक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ कौन आ गया जे और म्यू, तो ये के बच गया ऊपर की ओर लिखना, यहाँ के और म्यू आ गया जे बच गया ऊपर की ओर लिखना, यहाँ म्यू बच गया ऊपर की ओर लिखना, पूरे के आप लगा देना 1/2, पूरे के आप क्या लगा दोगे 1/2, तो ये तो हो गया हमारे पास क्रिस्टोफर सिंबल सेकेंड काइंड का, ये क्रिस्टोफर सिंबल फर्स्ट काइंड, ये तो है हमारे पास फर्स्ट काइंड एमएससी प्री, ये क्रिस्टोफर सिंबल सेकेंड काइंड, ये हमारे पास है सेकेंड काइंड, और ये इक्वेशंस थी हमारे पास जियोडिक पोस्टुलेट से संबंधित, एक मतलब जियोडिक की इक्वेशंस हमारे पास हमेशा ऐसे दी जाती है, और इसका सॉल्यूशंस करने के बाद हमारे पास क्या आया इस एक्स की आई इज इक्वल टू ए इंटू एस प्लस बी, वेयर ए बी क्या आ गए कॉन्स्टेंट, वेयर ए बी हमारे पास क्या आ गए कॉन्स्टेंट, और
अब ये किस सिचुएशंस में आया है, जब हमारे पास g क्या हो, कांस्टेंट हो, क्योंकि कांस्टेंट था तभी तो इनका डिफरेंशिएशन हो गया, जीरो आया था, अदरवाइज तो जीरो आता ही नहीं। तो ये हमारे पास जियोडिक पोस्टुलेट्स की इक्वेशंस स्ट्रेट लाइन कब होगी, इन द अब्सेंस ऑफ ए ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, मतलब ये हालांकि ये नीट की एग्जाम में या जेई की एग्जाम में जहाँ बच्चे ट्वेल्थ क्लास वाले फिजिक्स पढ़ते हैं वहाँ ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे पास जियोडिक पोस्टुलेट्स के अंदर ये स्ट्रेट लाइन कब बनेगी, तो वहाँ कंडीशन दे दिया जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स लाइट की वेलोसिटी के बराबर हो, ग्रेटर हो, या उसकी अनुपस्थिति हो। तो आंसर आता है कि उसकी अनुपस्थिति हो, हमारे पास यहाँ ग्रेविटेशन फोर्स अब्सेंस होना चाहिए। ठीक है, लिखा था ना वो यहाँ कि देयरफॉर इन अब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशन द जियोडिक इक्वेशन इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये आज हमारे पास यूनिट थर्ड का पहला लेक्चर था, जिसके अंदर हमने एक जनरल रिलेटिविटी के बारे में थोड़ा सा सीखा जो आइंस्टीन ने 1915 के अंदर दी थी। कुछ बातें उसके अंदर हमने एक्सप्लेन करेंगे, मतलब आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया था जियोडिक के अंदर, जैसे रेड शिफ्ट क्या होता है, फिर हमारे पास रडार इको डिले सिस्टम क्या होता है ना, उसके बारे में एक तो ये पढ़ लिया। फिर एक जो दो मेजर प्रिंसिपल अभी तक हमारे पास पेंडिंग में चल रहे हैं, इसको हम लास्ट लेक्चर्स में या हो सकता है किसी भी बीच में एक लेक्चर में जहां मेरे को लगेगा कि उनकी ज़रूरत है वहां समझाया जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ जनरल कोवेरियंस को। तो एक टॉपिक हमारे पास हो गया है जियोडिक पोस्टुलेट, अब आपका मैक प्रिंसिपल बचा है और कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस वगैरह हम आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर ही सीखेंगे। ठीक है, तब तक आपने आज जो नोट्स बनाए हैं ये जियोडिक पोस्टुलेट्स जियोडेसिक पोस्टुलेट्स है, एक प्रकार से आपको याद ही रखना होगा क्योंकि इसका नाम से ही स्पष्ट है। ठीक है, तो ऐसे मत सोचना कि सर इतना आधा अधूरा समझ में आया है, तो जितना मतलब 30% भी समझ में आ गया है, ये 30 भी समझ में आ गए हैं, तो आपके ये मान के चलो 100% समझ में आ गए हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स आते आते फिर ये कॉन्सेप्ट सभी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है भाई।